आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 70 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 70 में सारे जो आपके क्वेश्चन दिए हैं वो सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, और इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज हम जो टाइम चैप्टर का पढ़े थे, इसमें टाइम को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन उसका किया जाता है, कैसे डिवीज़न किया जाता है, ये हम पढ़े थे। उसी चारों जो फॉर्म हम जो पढ़े हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उसी से रिलेटेड इसमें आपके क्या दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको रीड करना है और फाइंड करना है कि इसमें ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा कि मल्टीप्लाई होगा कि डिवीज़न होगा, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि ऑन ए डे इट रेंड फॉर 2 hours 15 minutes इन द मॉर्निंग एंड अगेन फॉर 3 hours 36 minutes इन द इवनिंग। कह रहा है कि एक दिन बारिश हुई थी, सुबह में कितने घंटे कितने मिनट, 2 hours 50 minutes सुबह में बारिश हुई थी, और फिर उसी दिन शाम में, इवनिंग बोला था ना, शाम में 3 hours 36 minutes बारिश हुई है। तो आपसे क्या पूछा है कि ऑल टुगेदर फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड इट रेन दैट डे। तो कितने घंटे और कितने मिनट बारिश हुई है वो आपको टोटल बताना है। तो सुबह में इतना हुआ था, शाम में इतना, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, टोटल बताने के लिए हमको, ऑल टुगेदर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आवर और मिनट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो ये आवर हो गया और ये आपका क्या हो गया, मिनट हो गया, ठीक है। आवर वाले को कितने मॉर्निंग में था, 2 hours 15 minutes, और इवनिंग में कितना था, 3 hours 36 minutes। अब क्या करेंगे, टोटल पता करना था कितना बारिश हुआ है, तो कितने घंटे बारिश हुई है ये पता करना था। तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पहले मिनट वाले को ऐड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 6, 11 का 1 1 कैरी, 3 1 4 1 5, ये हो गया 51 मिनट। कितने आवर्स देख लेते हैं, 2 3 5, मतलब 5 hours 51 minutes क्या हुए, बारिश हुए, ठीक है, बारिश हुई। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 5 hours 50 minutes, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द टाइम 5 hours 20 minutes आफ्टर 5 AM। कह रहा है कि 5 AM हो रहा है, 5 घंटे और 20 मिनट के बाद कितना बजेगा, मतलब अभी तो मान लीजिए 5 AM हो रहा है और इसके 5 घंटे और 20 मिनट बाद कितना बजेगा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 5 hours 20 minutes को, इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सिंपल सा, अगर ऐसे ऐड करते हो तो आपका हो जाएगा 10:20, 5 5 10 हो जाएगा 20, तो 10:20 हो जाएगा, और किस में, AM में ही होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, जो कितने आपको बताया कि ये दिया था 5 AM, ये दिया था 5 AM की, तो पहले आपको 5 AM को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, आवर और मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आवर और मिनट में देंगे तो 5 ये आवर हो जाएगा और मिनट तो नहीं, तो यहाँ पे आपको 0 0 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉलम बनाइए आवर और मिनट का, ठीक है। तो 5 hours 00 minutes कितने घंटे बाद और कितने मिनट पे जाता, तो 5 hours 20 minutes के बाद कितना बजेगा, वो आपसे पूछा था। तो अब प्लस कीजिए 0 2 5 5 10, तो ये हो गया 10 hours कितने मिनट, 20 मिनट, और इसको टाइम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 10:20 AM, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 5 घंटे 20 मिनट के बाद आपके 10:20 मिनट
होंगे सुबह के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू ऐसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें पूछा है क्या आपका, देखते हैं। व्हाट वाज द टाइम 2 hours 20 minutes बिफोर 7:30 PM। अब 7:30 PM के पहले, अब यहाँ तो बाद में था तो प्लस कर लिए थे, आपको पहले बताना, तो पहले के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, निकल जाएगा। मतलब 2 hours 20 minutes पहले कितना बज रहा था वो आपको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको आपको 7:30 PM को क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर और मिनट में, तब जाके इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आपका जो टाइम दिखा था 7:30 PM शाम का समय है, और इसको हम आवर और मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये तो इधर वाला जानते हैं ये आवर होता है, ये क्या होता है, मिनट होता है। तो 7 hours 30 minutes, शॉर्ट में मिनट, आवर को हम HR लिख सकते हैं और मिनट को MIN, ठीक है। अब कॉलम बना लीजिए आवर और मिनट का, ठीक है। तो 7 hours 30 minutes कितने घंटे कितने मिनट, तो 2 hours 12 minutes पहले कितना बज रहा था, तो माइनस कर लीजिए। तो जीरो में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा, बोरिंग लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10, यहाँ बचेगा 1, तो 10 में से 2 क्या 8, और यहाँ आपका बचा, यहाँ सॉरी यहाँ कितना बचा, 2 बचा ना, एक दे दिया तो यहाँ 2 बचा, तो 2 में से 1 क्या 1, और 7 में से 2 क्या 5, तो ये हो गया 5 hours 18 minutes। और इसको टाइम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, तो 5:18 PM ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उमेश स्टार्ट्स फॉर हिज फ्रेंड हाउस एट 9:30 AM। उमेश जो है अपने फ्रेंड के घर स्टार्ट जाना स्टार्ट किया, कितने बजे, कितने बज के कितने मिनट, 9:30 AM पे स्टार्ट किया। ही रीच देयर 45 minutes लेटर, और फिर उसके बाद क्या, मतलब अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए वो कब कितने बजे निकला, 9:30 AM पे निकला, और कितने मिनट में पहुंचा, 45 मिनट बाद वो क्या हो गया, अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया। तो एट वाट टाइम डज ही रीच हिज फ्रेंड हाउस, तो आपको बताना है कि वो अपने फ्रेंड के घर पे कितने बज के कितने मिनट पे पहुंच गया होगा, निकला था कब, 9:30 AM पे निकला था अपने फ्रेंड के घर पे जाने पे, और कितना उसके समय लगे, 45 मिनट वहाँ पे पहुँचने में लगे, और कितने बज के कितने मिनट में वो पहुँचा वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, 9:30 AM में क्या करेंगे, 45 मिनट को ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि आपको कितने मिनट और कितने आवर उसको अपने फ्रेंड के घर पहुँचने में लगे। तो इसमें के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आवर और मिनट का कॉलम पहले बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 9:30 AM था, तो इसको आवर और मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 9 hours 30 minutes, ठीक है। अब कॉलम बना लीजिए, ये आवर हो गया, ये मिनट का, तो 9 hours 30 minutes पे स्टार्ट हुआ जाना, और कितने मिनट लगे उसको, 45 मिनट वहाँ पे पहुँचने में लगे, तो इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, टाइम ज़्यादा ही, अब प्लस करते हैं, देखिए, तो 5 और यहाँ कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ आ जाएगा 9। तो आपको देखिए ऐड करते समय आपको बताए थे, जब यहाँ 60 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, 60 मिनट से तो कम रहेगा तो यहाँ पे मिनट के पास लिखेंगे, लेकिन 60 मिनट से जहाँ भी ज़्यादा होगा तो इसको क्या कर लेंगे, इसमें को 60 मिनट निकाल के आवर के पास क्या कर देंगे, भेज देंगे। जैसे कि जानते हैं ना कि 60 मिनट मिलके ही क्या बोलते हैं, हमारे 1 hour होते हैं। तो कभी भी टाइम आप देखते होंगे तो कभी भी टाइम जो मिनट का दिखाता होगा वो क्या दिखाता होगा, 60 से कम ही दिखाता होगा, 60 से जाते तो 75 का भी मिनट दिखाता ही नहीं है, नहीं दिखाता है, तो 60 से कम, तो इसलिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, दो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें से 60 माइनस कर देंगे, निकाल लेंगे, 60 मिनट जब निकल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में, और यहाँ आपका जब 60 निकल जाएगा तो बचेगा कितना,
15, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 15 और ये 60 जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आवर में, इसके पास चलाएगा, प्लस हो जाएगा 9 × 1 = 10, तो यही आपका हो जाएगा 10 hours 15 minutes। तो उसका जो टाइमिंग हो जाएगा तो 10:15 AM पे वो क्या हो जाएगा, अपने फ्रेंड के घर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपको टाइम दिया है उसको आपको आवर और मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर और मिनट में लिख दिए और आवर मिनट का कॉलम बना के कितने मिनट बाद पहुंचा तो प्लस कर देंगे उतना, 45 प्लस करेंगे तो यहाँ 75 आ जाएगा, 75 तो लिखते नहीं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो 60 मिनट इसमें क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो बचेगा 75 में से 60 मिनट निकल जाएगा तो बचेगा 15 मिनट, और 60 जो ये जब आवर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट तो जाएगा नहीं, तो ये सीधे वन, जैसे हम सो बोरिंग लेते थे ना कि वन आवर लेते थे तो यहाँ क्या लिखते थे, 60 मिनट लिखते थे, उसी तरह 60 मिनट को जब इधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, वन आवर, तो वन आवर यहाँ पे हो जाएगा, तो 9 × 1 = 10 hours 50 minutes, मतलब 10:15 AM मतलब सुबह में पहुँच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है कि ए प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम दिल्ली एट 11:40 hours, कह रहा है कि एक प्लेन जो है वो दिल्ली से 11:40 hours पे क्या हुई, उड़ी, टेक ऑफ हुई, इट लैंड्स एट कलकत्ता आफ्टर 2 hours 45 minutes, मतलब इतने बजे तो वो उड़ गई और 2 hours 45 minutes बाद कहाँ पहुँच गई, कलकत्ता लैंड, दिल्ली से कहाँ चली गई, कलकत्ता पहुँच गई। तो आपको क्या बताना है, एट व्हाट टाइम डज इट लैंड एट कलकत्ता, तो कलकत्ता कितने बज के कितने मिनट पे लैंड की वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इतने बजे से उड़ी और कितना समय लगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि कितने बजे कितने मिनट पे वो कलकत्ता लैंड की। तो आवर में दिया ही है, आवर मिनट में कर लेंगे इसको भी, तो कॉलम बना लिए आवर और मिनट का। टेक ऑफ कब की, 11:40, और कितना समय उसको लगा, 2 hours 45 minutes, ऐड कर लेते हैं 5 और ये हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 3 1, 13 hours 50 minutes टोटल, ये मतलब ये तो निकला क्या, टोटल आवर उसका निकल गया, लेकिन हमको टाइम बताना है ना कितने बज के कितने मिनट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें 12 hours, ये तो 24 वाला हो गया ना, हमको 12 hours में पता करना है, 24 hours में नहीं पता करना। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले तो इसको कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ये जो हमारा है 60 से ज़्यादा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 निकाल दीजिए इसमें से, तो 60 निकल गया, बचा 25 निकल गया, अब ये इधर आएगा तो 1 hour में आ जाएगा, अब हमारा टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 minutes और यहाँ पे हो जाएगा 40 hours, ये हो गया टोटल इतना। अब इसको हम कन्वर्ट कर लें कितने में, 12 hours में, क्योंकि तो 24 hours में दिया है हमको, 12 hours में, तो 12 hours में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको बताया थी कि जब भी आपको टाइम अगर 12 से ज़्यादा दिया हो, 13, 14, 15, तो उसमें क्या कर लेते हैं, उसको 12 hours को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 hours माइनस कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर दीजिए, 12 hours क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बताया था ना कि उस कि 24 hours को 12 hours में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो आपको बताया था कि जब 12 PM में हो, मतलब 12 से जब ज़्यादा होता है तभी ना वो PM में होता है, और 12 से जब कम होता है तो वो तो AM में होता है, तब तो 9, 10, 11 ऐसे करके लिखा रहता है। अब 12 से जब ज़्यादा होगा तो 12 से ज़्यादा के बाद 13, 14, 15, 16 ये हो जाता है, तो ज़्यादा जब होता है तो 12 क्या कर लेते हैं, 12 आवर को उसमें से क्या करते हैं, माइनस करके उसको 12 आवर वाले क्लॉक में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, 5 2 और ये हो गया 2, यहाँ तो 0,
अब ये कन्वर्ट हो गया तो आपके आ गया 2:25 क्या पीएम में, क्योंकि ये 12 से ज़्यादा है तो पीएम में होगा। 2:25 पे वो क्या हो जाएगा, कोलकाता पहुंच जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर रॉ रिच हिज ऑफिस एट 9:30 AM। मिस्टर राव जो हैं अपने ऑफिस 9:30 AM पे क्या सुबह में पहुंच जाते हैं, एंड लीव एट 5:40 PM, और शाम में इतने बजे वो ऑफिस से छोड़ देते हैं, घर चले जाते हैं। तो आपको क्या निकालना है कि हाउ लॉन्ग डज ही स्टे इन द ऑफिस, तो वो ऑफिस में कितने घंटे और कितने मिनट तक रहते हैं, वो आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग टाइम था उनका, स्टार्टिंग जाने का जो समय था वो था ऑफिस जाने का समय 9:30 AM, और एंडिंग उनका जो निकलने का टाइम था वो था आपका 5:45 था ना, देख लीजिए, हाँ 5:45 PM। अब इन दोनों के बीच में कितने आपको कितने घंटे कितने मिनट रहते हैं वो आपको निकालना है। तो पहले आपको जब भी आपको ऐसे निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा ना। तो एंडिंग वाले में से स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कर दीजिए, स्टार्टिंग टाइम को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपको पहले कन्वर्ट करते समय एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, इसको पहले 24 आवर में क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आपको दिया है 5:45 PM दिया है ना, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे 24 आवर में तभी आप क्या कर पाएंगे, इजीली से माइनस कर पाएंगे। क्योंकि अगर पहले लिख दे 5:45 और नीचे लिख दे 9:30 तो माइनस हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पीएम में होगा उसी को हम क्या करते हैं, उसमें 12 क्या करते हैं, प्लस करके 24 आवर में क्या करते हैं। अब देखिए 12 आवर वाला क्लॉक है, अब इसको 24 आवर वाला क्लॉक में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे 12 आवर प्लस कर देंगे। तो इसकी अब जो टाइमिंग हो जाएगी 24 आवर में वो 5:17 AM और इतने 45 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। ये 24 आवर वाला क्लॉक में हो गया, और इसको भी एएम वाले को भी आपको उसमें चेंज करना है। तो इसमें तो जब 12 से कम रहता तो वो तो उतना ही वही हो जाएगा, जब इसको 9:30 AM को करेंगे तो ये तो 9 आवर और 30, इसमें तो कोई प्लस करते नहीं है, क्योंकि जब भी 12 आवर से कम होता है तो उसमें वो तो एग्जैक्ट वैसे ही उसको लिख देते हैं मिनट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर नाउ कॉलम बनाइए आवर और मिनट का, ठीक है। तो लीविंग टाइम रखिए यहाँ पे जाने का वाला और 9:30, अब माइनस कर दीजिए, आपको पता चलेगा कितने आवर कितने मिनट तक वो ऑफिस में रहते हैं। तो 5:0 में माइनस करते हो 5 ही आ जाएगा, और 4 में से 3 गया ये आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से 9 नहीं जाएगा, इसको बोरिंग देगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया आपका 8। तो मतलब 8:30 वो क्या करते हैं ऑफिस में स्टे रहते हैं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ तक क्या कर लेंगे सॉल्व आप लोग कर लेंगे। फिर एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों टाइम को 24 आवर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम तो 5:40 PM को हम जब भी पीएम में जो रहता है उसको हम 24 आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा 12 क्या कर देते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, तो 24 आवर में हो जाता है, और कम रहता है तो वो तो एग्जैक्ट वही हो जाता है, उसमें तो कोई प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर इसको क्या कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।